लोकोर बुद्धि पोकोर बुद्धि, बहुत कुछ कारण से आपका एक्यूरेसी जो है बिगड़ सकता है, पर समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते। आज मैं फिर से जो है एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो है एक नया एयर एप्पल, नया तो नहीं है, पुराना जो एयर एप्पल है जिसको मैंने पानी में डुबाया, कीचड़ में डुबाया, ठीक है, वही एयर एप्पल के साथ में आज लौट कर आया हूँ। उस एयर एप्पल से रिलेटेड मैंने जो कीचड़ में डुबाया, पानी में डुबाया वीडियो को देखकर उस किसी किसी भाई को डिस्गस्टिंग सा फील हो सकता है, काफ़ी नाराज़ हुआ होगा हमसे, क्या बेकार काम करता है ऐसा सोच के, ठीक है। तो उस वीडियो के चलते मैंने जो गन को मैंने पानी में डुबाया था ना, तो उससे रिलेटेड मैंने क्लेरिफिकेशन वीडियो एक भी बनाया था। तो हालांकि वो क्लेरिफिकेशन देने का मुझे कोई दरकार नहीं था, इसलिए मेरा ही सामान है, मेरा ही सारा जुगाड़ है, जो भी हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट गया है मेरा है। इसी प्रकार आपके पास खुद का सामान है, आप उसको तोड़ो पोरो, पानी में बॉयल करो, आग में जलाओ, सही मायने बोले तो। उसी चलते वो जो वीडियो में मैंने जो एयर एप्पल जो पानी में डुबाया, कीचड़ में डुबाया था ना, वो मेरा अपना ही एयर एप्पल था। उसी चलते मैंने उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को देखना था, एक स्कोप था वेक्टर ऑप्टिक्स, और जो है वो गन में बताता था, वो गन था आपका कैम्पस्टर स्पोर्ट स्टार X3। उसमें मैंने सीधा बोला था कि किसी के कंपनी को बुरा दिखाने, नीचा दिखाने या फेमस होने के लिए नहीं था, तो सारा अपना ही सामान था। उस वीडियो से रिलेटेड मैंने क्लेरिफिकेशन वीडियो इसलिए बनाया, तो मुझे लगा कि शायद उसमें जो शूटर्स है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वरिस्ट है, और जो वाकई में शूटिंग पर जो प्रैक्टिस चल रहा है, रेंज में जाके प्रैक्टिस, काफ़ी महीनों सालों से प्रैक्टिस चल रहा है ना, तो हमसे सीनियर होगा, हमसे बेहतरीन तरीके से जो एयर एप्पल शूटिंग से जानते होंगे। उसके चलते मुझे लगा कि वो सारे लोग को मेरा वीडियो देख के जो है उसका मन में हार्थ ना हो, शायद उन्होंने देखकर जो है उनको बुरा लगा होगा, इसके चलते मैंने समझाने की कोशिश करा कि मैंने किस कारण से जो है पानी में डुबाया था और कीचड़ में डुबाया था, ठीक है। तो वही है, दोनों का वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने देखा नहीं है जाकर देखेगा। तो वही था क्लियरिफिकेशन करने का मतलब, वही था फिर से वही जो गन मैंने पानी में डुबाया था ना, कीचड़ में जो है नहलाया था, वही गन लेके आया हूँ कुछ नए सेटअप के साथ। पानी में डुबाया, कीचड़ करा, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे एयर एप्पल के प्रति प्यार नहीं है, बिल्कुल भी प्यार है, मैं खुद से ज़्यादा अपने एयर एप्पल प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं और उसके जो दो वीडियो बन गए उसके आगे और मैं टिप्पणी करेगा नहीं, जो भाई को जो लगता है लगे। तो ये देखे, ये जो है ना उस दिन का ही जो गन है जिसको मैंने पानी में डुबाया, कीचड़ में नहलाया, हालांकि कोई लफड़ा नहीं है, देखिए काफ़ी सही तरह से चल रहा है। तो इसको मैंने एक बोतल में कन्वर्ट करा, तो मैं सोचा भाई काफ़ी सारे भाई लोग ये कंपनी का जो 180 cc सिलेंडर आता है ना, उनसे काफ़ी लोग परेशान हैं, शॉर्ट काउंट को लेते हैं। उसके चलते मैं सोचा PX100 में बोतल लगाया जा सकता है, केम स्तर में क्यों नहीं होएगा, तो वही मैं प्रैक्टिकली करा, क्योंकि जब तक मैं चीज़ें को प्रैक्टिकल खुद से अपने हाथों से नहीं करता है ना, मैं भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी को ये कर दो वो कर दो बोलता नहीं, एपेक्स और जो है हाई एंड एयर एप्पल को छोड़ के उसमें भी कुछ दिक्कत आता है तो मैं प्रॉपर सलाह लेगा, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, ये सब जो हमसे बनता है मैं खुद से ही सहारा करता है, ठीक है। ये लगने के बाद दिखता इस प्रकार है, ये जो है ना 300 cc का जो है एलुमिनियम बॉटल है जो इस बेल्ट के साथ आता है, ठीक है। और आप पूछेंगे शॉर्ट काउंट कितना है, FPS कितना है, ठीक है, मैं आपको सीधा बता दूं, ये मैं जस्ट कल रात का 12 बजे में बना के कंप्लीट करा, उसके बाद मैं लीकेज वगैरह है कि टेस्टिंग में रखा था, इसलिए मैं कौन कौन पता नहीं है, FPS पता नहीं है। मेन मेरा मोटिव है कि ये सब चेंज करने के बाद एक्यूरेसी निकल के आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, अपने जो भी गन है, जो भी आपने मॉडिफाई करा ना, सबसे पहले एक्यूरेसी ढूंढिए, तो उसको ढूंढने के लिए आपको नॉर्मल में मार के देखिए, उसमें नहीं आता है आगे पीछे करके देखिए, उसमें क्रोनोग्राफ ही रहना है, ऐसा जो है ज़रूरी नहीं रहता है, ठीक है। लीकेज वगैरह नहीं, एक इशू पाया जिसके साथ ये जो ओरिंग आता है ना, इसके साथ प्रोवाइड करा, वो उतना मजबूत नहीं है, वो एक दो बार मुझे
अलग अलग गन में ट्राई करा, उसमें भी लीकेज का इश्यू हुआ, उसको ओरिंग को चेंज कर दिया हूँ, उसको आप काफ़ी आराम से चेंज कराया जा सकता है। तो अभी इसमें मेरा कंफर्मेशन ये हो गया, हाँ ओरिंग चेंज करने के बाद सही है। तो आपने ये जेब बेल्ट लगा लेना, यहाँ तक एक बार आपने पिट कर दिया तो काफ़ी सारे भाई बोले आप बोतल भरा लगाना था, ये लगाना था, वो लगाना था, इसको लगाना आपका ऊपर है। जैसे ही आप इसको अपडेट कराएगा उसका पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, ये लोग सोचता नहीं है, ठीक है। प्राइस बताने लगता है तो उसका मूव ऑन हो जाता है, सीधी सी बात है। बार बार मैसेज करेगा, दुनिया भर का बातें करेगा, जब एक्चुअल चीज़ें बताने लगता है ना वो गायब हो जाता है, सीधा गायब हो जाता है। वो प्राइस से लेते बोलता है, तो इससे पहले तो इतना मैसेज करता वो का क्या है, ये का क्या है, ये प्रैक्टिकली जो चलता है ना, हमें वही बोला है, इसमें किसी को हम खराब नहीं बोल रहे, सीधी सी बात है, जो मुझे जो लगता है वो सीधा सीधी मुंह में बोलेगा, ठीक है। तो अभी मान के चलिए आपका सही हो गया, ठीक है। आपको लगता है नहीं 300 कम पड़ जाएगा, तो आप इसमें 580 भी लगा सकता है, 700 भी लगा सकता है, 360 भी लगा सकता है, वो आपका ऊपर है। आपको उसके लिए पैसा जो है तो डालना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी सारे भाई लोग सस्ता में बोलता है ना, तो उसके लिए ये सही है, आप ये सीधे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म भी अच्छा खासा मिलनी चाहिए, तो 180 में आपको उतना शॉर्ट टर्म मिलता है, आप 300 सोच सकते हैं। उसको आप सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए, दुनिया भर के लोगों से पूछने आता है, ठीक है। अरे मेन चीज़ इसमें मैं आपको दिक्कत को समझाता है लोगों का, काफ़ी सारे भाई बोलता है हमको बोतल लगाना है, ये लगाना है, ठीक है। मान लिया, लगा लिया, आपने कभी अपना दिमाग में सोचा कि हर किसी का पास कंप्रेसर होता नहीं है, मैक्सिमम हैंड पंप से ही बराते हैं। तो आपने जैसे ही सिलेंडर डाला, 600 का लगाया, 700 का जो भी लगाया, उसमें आपको इसको पेट जो भरना है ना, उनको ध्यान रखिएगा भाई। आपने शादी करा, भूखा रखेगा तो आपका बीवी मानेगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार इसका आपने पेट भरा कर दिया, इसको खिलाना आपको है, ये एक लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो मैं बोलेगा ये जो 300 cc है ना, इनको आप नॉर्मल हैंड पंप से भरा जा सकता है। अगर आपने दायना आउटलो में फिल करा, बोर्टेक्स में फिल करा, स्टैहॉक में फिल करा, उसके बाद जो है जो 290 cc लगभग का cc में आप फिल करते हैं ना, तो इसको आप काफ़ी आराम से जो है भरा जा सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप इसको 580 लगाएगा, 780 लगाएगा ना, हैंड पंप से आपको बड़ा जो है मेहनत करना हो सकता है, काफ़ी वक्त लगने वाला है, आपका पंप जल्दी जाने का चांसेस रहता है। तो 300 cc आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हैंड पंप से भराइए। क्योंकि मैं 480 cc में भी जब मेरा कंप्रेसर या वोल्टेज डाउन रहता है ना, मैं 480 को बराता है, हालांकि वक्त थोड़ा लेता ज़रूर है। तो आपने मान के चला आपके पास कंप्रेसर नहीं, आपने ये बोतल अपग्रेड करा, दो पंप बिल्कुल भी रखेगा साथ में, क्योंकि एक पंप ख़राब हो जाता है, तो एक ऑप्शनल रखेगा, ठीक है। वो बेसिक का मुझे लगता है वो मैं आपको बताया, FPS पता नहीं है, शॉर्ट टर्म पता नहीं है, ये कंपनी सेटिंग में है, कंपनी का स्प्रिंग है और कोई एडजस्टर वगैरह नहीं है, ये सप्रेसर आपका TS120 का, ठीक है। तो उस दिन जो मैंने पानी में डुबाया था ना, वही एयर एप्पल है। तो देखिए काफ़ी मस्त चल रहा है भाई, पानी में डुबा या कीचड़ में डुबा, उसका पहले देखते हैं क्या ग्रुप बन के आता है। 25 ना 26 मीटर है, उसमें कुछ जो है सोर्स लगा कर देखते हैं ग्रुपिंग वगैरह कैसे आता है। मैं सेंटर पे 500 चलाएगा, नहीं 10 चलाएगा क्या, लेफ्ट चला गया। तो इसमें ग्रुपिंग कहीं भी आओ, लेफ्ट लगो, राइट लगो, ऊपर लगो, नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुपिंग बंद कराना चाहिए। हाँ ये कागज से हीट हुआ, तो पहले तो मैंने शॉर्टिंग नहीं किया, दबाव में रखा है, जैसे तो वैसे निकल के शॉर्ट लगा रहा, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो थोड़ा रिसिंग पहला पहला लग रहा है, तो मैं और एक से तोप के चलिए अभी जो है साइड में जो बच्चा कुछ है ना उनको शॉट लगा के देखता है। एक तो बुलसा हो गया लग रहा है,
एफपीपी का रेटिकल काफी पतला है क्योंकि मैंने ज्यादा जूम नहीं करा, इसलिए थोड़ा सेंटर पकड़ने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो बारीक टारगेट है। देखिए एग्जैक्ट सेंटर में नहीं पकड़ पा रहा, थोड़ा जूम करके देखते हैं कि क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ अभी दोत को दिख पा रहा है, इसको और एक शॉट लगाता है। हाँ अभी हिट हुआ, पहले अपना जूम को मिला लेता ठीक था। अभी देखिए, अभी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टारगेट को सेंटर में आपका, क्योंकि एफपी का दोत काफी पतला रहता है ना, मैं अपना सेंटर दोत को कहाँ रख रहा है अभी मालूम चल रहा है। देखिए यार हमसे मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए मैं बोल रहा है ना आपको स्कोप को खेलने बिल्कुल भी जानना पड़ेगा। मैं सारा हिट हो गया तो उसमें अच्छा से शॉट नहीं लगने वाला। इधर एक है लेफ्ट का सबसे लास्ट, राइट की तरफ, चलिए दोस्तों हो गया। तो मैं आपको टारगेट पे जाके दिखाता है। तो दोस्तों मैं सामने आ गया, उसको मैं यहाँ सेंटर पकड़ के 10 शॉट्स कंप्लीट बनाने की कोशिश करा, तो यहाँ 3 गया हुआ है, बाकी सब यहाँ पे है। थंब फिंगर, मेरा लिटिल फिंगर, ये यही का ग्रुप था ना क्या था, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, पर एमिंग यहाँ करा था। ठीक है, तो ये ग्रुप है। उसके बाद यहाँ मैंने शायद कुछ करने की कोशिश करा, पर पता नहीं क्या क्या हो गया, मैं समझ में नहीं आया। तो इसमें मारा, ये देखो ये चुटको ऊपर ब्रूस आया हुआ है, ये देखिए। तो ये सब आया है रिजल्ट आपके सामने। तो इसका आप टारगेट का साइज देखिए, दिख रहा है काला जो है ना, 4 उंगली में है। तो दोस्तों मैंने रिजल्ट आपके सामने रखा, गेम स्टार स्टार जो है X3 जो है 300cc बोतल के साथ। मैं जीरोइंग के लिए 10-15 राउंड जैसे चला जाती, अभी टारगेट में मैंने कितना शॉट किया मैं नहीं गिना, इसलिए एक जगह 10 का ग्रुप बनाया था, 10-15 कितना मारा होगा, 20-25 कुछ मारा होगा टारगेट पे, और यहाँ में 15 राउंड कितना हो गया, एयर बचता है आपका। देखे अब खुद से दिख लेना, मेरा आँख का थोड़ा इशू है, इतना एयर बचा है अंदाज कर सकते हैं। जो भी था मैंने आपको सामने दिखाया। तो जैसे कि ये हैमर इस कंपनी का है, कोई पावर एडजस्टर नहीं डाला, तो मुझे जैसे मुझे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को सुनकर और मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि एपीएस जो है कम है, तो शायद जो अभी एपीएस दे रहा है ना, जो 10.34 ग्रेन है, उनके लिए शायद कम होएगा, उसके चलते भी ये रिजल्ट आया होगा। जो भी हो बाद में आपको आगे पीछे कर देखता है। और एक चीज़ ये है, इसका साथ जो है ना, ये रिटर्न जो बेल्व रहता है ना, वो कंपनी से थोड़ा अलग है, शायद हो सकता है उसके चलते एपीएस में जो है इधर उधर का अंतर आया होगा, वो सब मैं बाद में देख लेगा। ठीक है, आप जो भी एयर एप्पल या गन ऑन करते हैं ना, फाइनल ट्यूनिंग फाइनल सेटिंग आपके ही हाथों में। ठीक है, तो आपने कुछ भी बाय करा, एयर एप्पल लिया, एक जो भी हो, उसका बेसिक सा आइडिया रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप हजारों से लोगों से पूछते रहेगा, आप खुद से ही कंफ्यूजन में रहेगा, उलझा रहेगा, लोगों से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखता है। इसलिए SMEs में एक कहावत है जो बोला जाता है, लुकोर बुद्धि पोकोर बुद्धि। सब फोन आते हैं, मैसेज करते हैं कि क्या होगा कैसे करेगा, ये फोन के माध्यम से हर एक बारीक बारीक चीज़ें जो है ना बताना मुश्किल रहता है, क्योंकि कोई कोई चीज़ को ऐसा होता है आप चला के देखने से आपको पता चलता है कि किस कारण से हो रहा है, उसका बहुत कुछ कारण जो हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ कारण से आपका एक्यूरेसी जो है बिगड़ सकता है। ये चीज़ें मैं काफ़ी सारे भाई को समझाया, पर समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते, वो सब आपका ऊपर है भाई। तो चले भाई, जो निकला मैंने आपको दिखाने की कोशिश करा। तो अभी मैं 10.34 जो ग्रुपिंग जो आ रहा है ना, हम इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो
तो चलो भाई मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।